जय माता की। अब की बार करवा चौथ का जो व्रत है 13 अक्टूबर 2022 को दिन वीरवार को मनाया जा रहा है। हमारी कुछ माताओं बहनों के मन में कुशंका जागी हुई है, जिनकी नई नई घर में शादी हुई है तो उसके घर के अंदर जो बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनके मन में शंका है कि अब की बार उद्यापन करवा चौथ पर करना है क्या नहीं करना है। आम भाषा में उजमण भी बोल देते हैं, करवों को मिनसना भी बोल देते हैं कि अब की बार जो पहला पहला करवा चौथ का व्रत होता है उसमें किया जाता है उद्यापन, वो करें या ना करें, इसके प्रति शंकाएं बहुत जागी हुई हैं। वो शंका क्यों जागी हुई है, सभी जगह ये बात फैली हुई है, पता है सभी को तकरीबन कि तारा डूबा हुआ है, तो उस तारा डूबने में हमको करवा चौथ का व्रत करना है, करवा चौथ के उद्यापन करना है क्या नहीं करना है, इस बात में सभी के मन में शंका जाग रही है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि तारा दो प्रकार से होता है, तारा डूबना दो प्रकार से होता है, एक होता है शुक्र अस्त होना, एक होना बृहस्पति का अस्त होना। जब ये दो ग्रह, कभी शुक्र अस्त होता है कभी बृहस्पति अस्त होता है, जब ये दो ग्रह अस्त हो जाते हैं तब उसको तारा डूबना बोलते हैं। अब जो शुक्र ग्रह है वो राक्षसों का गुरु माना जाता है और जो बृहस्पति है वो देवताओं का गुरु माना जाता है। जब शुक्र अस्त होता है तो जितने भी ऐश प्रस्थी वाले कार्य हैं, जैसे मकान का मुहूर्त हो गया, गाड़ी वगैरह लेना, किसी प्रकार का कोई विवाह शादी वगैरह करना, जितने भी ताम झाम अच्छे बड़े कार्य है जिसमें मनोरंजन वाले जो भी कार्य हैं या सुख साधन प्राप्ति वाले जितने भी कार्य हैं वो शुक्र अस्त के समय सब के सब बंद हो जाते हैं। बृहस्पति, जब बृहस्पति जो देव गुरु है, जब बृहस्पति अस्त होता है तो जितने भी देव कार्य हैं वो सारे तकरीबन विराम हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, हम मजबूरी में कोई अनुष्ठान करना पड़ जाए वो तो किया जा सकता है, जैसे महामृत्युंजय वगैरह या किसी को तकलीफ है, लेकिन यदि कोई खुशी में किसी प्रकार का भी कोई शुभ कार्य करवा रहा है, पूजा पाठ आदि वगैरह कार्य करवा रहा है, वो कार्य बंद कर दिए जाते हैं जब बृहस्पति अस्त होता है। जो अब तारा डूबा हुआ है, जो तारा 1 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक डूबा हुआ है, उस तारे का नाम है शुक्र, शुक्र अस्त है, बृहस्पति अस्त नहीं है, शुक्र ग्रह अस्त है। तो शुक्र अस्त है तो इसका मतलब देव कार्य बंद नहीं होंगे। तो करवा चौथ पे जो भी आपको करवे मिणसने हैं या उजमण करना है या ये कह लो कि उद्यापन करना है तो वो आप सभी माताएं बहनें कर सकती हैं और करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अस्त है ना कि बृहस्पति। तो इसलिए सबके मन की शंका मैंने मिटा दी है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, तो सभी माताएं बहनें खुशी खुशी अपना करवा चौथ का व्रत बनाएं और उद्यापन करें। और भगवान से, माता रानी से मैं यही दुआ करता हूं कि आप सभी माताओं बहनों का सुहाग सदा बना रहे। जय माता की।